स्टूडेंट्स कमिंग टू सी क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का आज हम क्वांटिटेटिव पार्ट देखेंगे। उसमें हम हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है क्वांटिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव पार्ट का देखिए मतलब है कि इन आर प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन कौन से हैं। कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है, एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, या जो भी सॉलिड ऑब्टेंड होता है कैथोड और एनोड पे वो क्या होता है। आज हम ये देखेंगे कि वो कितना होता है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दैट आर गोइंग टू बी ऑब्टेन एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। कितनी क्वांटिटी हमें ऑब्टेन हो, तो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्वांटिटी निकालने के लिए हमें पहले पढ़ने की जरूरत है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सबसे पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेंड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब कितना वेट किसी भी गैस का या सॉलिड का, कितना वेट ऑब्टेन हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। और चार्ज बच्चों हमको मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, करंट इनटू टाइम। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो यहाँ पे इक्वेलेंट आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है कांस्टेंट की भी जरूरत होगी। तो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड क्या है यहाँ पे, जेड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। द जेड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जेड की वैल्यू कितनी होती है, यह होती है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। ओके, और इक्विवेलेंट मास निकालना आप जानते हैं, आप मोल कंसेप्ट में देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप हमारा एक बार मोल कंसेप्ट का वीडियो देख लीजिए, उस मोल कंसेप्ट के वीडियो में आपको पता लग जाएगा इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, अगर हम एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। यह हम बहुत सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, मोल इंटू एन फैक्टर है ना, इसको भी हम देख चुके हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंस, राइट। और इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के। सारे फॉर्मूले के लिए आप मोल कंसेप्ट वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। सो क्विक, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, आज हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। याद रखिएगा आई की वैल्यू आपको एम्पियर में रखनी है, और टी टाइम इन सेकेंड्स, टी हम रखेंगे टाइम इन सेकेंड्स, और आई हम रखेंगे एम्पियर में, और डब्ल्यू हमें किस में ऑब्टेन होगा, ग्राम। तो वेट ऑफ सब्सटेंस विल बी ऑब्टेंड इन ग्राम। अब अगर किसी गैस की हमें वैल्यू निकालनी है और तो आप पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। ये फॉर्मूला जो है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इससे आप वॉल्यूम गैस का निकाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स है, वेट आपका यहाँ से आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। आर टेम्परेचर आपको दिया होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स टेम्परेचर आपको दिया होगा, प्रेशर आपको दिया होगा। और अगर एस टी पी है तो एस टी पी पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एस टी पी अगर है आपके पास तो एस टी पी पे आपका जितना भी ग्राम आया है उसको आप इजीली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मोल इंटू 22.4 लीटर, मोल इंटू 22.44 लीटर अगर आप करेंगे तो आपके पास में एसटीपी पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, गेट द वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। और इस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पार्ट जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है, उसमें आपको कुछ और फॉर्मूलेज की बेहद जरूरत पड़ने वाली है, और वो फॉर्मूलेज है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस तरह के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बेटा, व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यू विल अंडरस्टैंड दैट यस यू हैव टू रिमेंबर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूले की हमें जरूरत होगी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, मोल इनटू एन फैक्टर।
IT अपॉन 9650, यस I करंट और टाइम इन सेकेंड्स अपॉन 9650, और एक्सक्यूज मी, और IT अपॉन 9650 ही इक्वल होता है नंबर ऑफ फेराडेज के. तो ग्राम इक्वलेंट्स आर डायरेक्टली आप ग्राम इक्वलेंट्स और नंबर ऑफ फेराडेज में भी रिलेशन लगा सकते हैं. और यही ग्राम इक्वलेंट्स होते हैं नॉर्मेलिटी इन वॉल्यूम इन लीटर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर. N का मतलब नॉर्मैलिटी, M का मतलब मोलैरिटी, और V होता है वॉल्यूम इन लीटर्स. सो दीज आर सर्टन फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट ग्राम इक्वेलेंस, एंड दीज आर हाईली एंड मतलब आप ये समझिए कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की बिल्कुल जान है ये फॉर्मूले. दे विल बी हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस produced at a particular electrode. Write down all these formulas quickly and we are going to see Faraday's second law of electrolysis. Now in the Faraday's second law of electrolysis, दो electrolytic cells हम लेंगे और इन दोनों को हम series में connect कर देंगे. This is the electrolytic cell A and this is the electrolytic cell B and both are connected in series with the same source of current. तो सेम करंट इज फ्लोन फॉर सेम टाइम थ्रू बोथ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में सेम करंट पास करेंगे सेम टाइम के लिए और हम इन दोनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आएंगे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड्स पे और इसके भी इलेक्ट्रोड्स पे. और उनकी क्वांटिटी कैसी होगी, उनकी क्वांटिटी के लिए हम देखते हैं हम क्या लॉ लगाएंगे. अब बच्चों आप बिल्कुल सीधा साधी सी चीज समझिए. दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए. हमने क्या लिखा था अभी फर्स्ट फेराडेज फर्स्ट लॉ में, W इज इक्वल टू जेड ए आई टी. डब्ल्यू ए मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड ए. W B मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बी. जेड ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए. और आई टी करंट एंड टाइम. और ZB इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल B. और I करंट और T टाइम. अब बेटा अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो मुझे एक बात बताइए, करंट और टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है ना. दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टेड किससे, सेम सोर्स ऑफ करंट से. टाइम भी सेम, करंट भी सेम. दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को हमने सेम करंट दिया सेम टाइम के लिए. हाँ तो क्या हुआ, और उनका हमने रेशियो ले लिया. डब्ल्यू आई इज इक्वल टू जेड ए आई टी, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू जेड बी आई टी. आई टी आई टी कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों के लिए आई टी की वैल्यू कैसी है, सेम. अरे अभी तो बताया दोनों इलेक्ट्रिकल सेल्स, दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स सेम सोर्स ऑफ करंट से कनेक्टेड हैं, उनको सेम करंट मिला है सेम टाइम के लिए. तो डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू जेड ए अपॉन जेड बी. और बेटा अभी हमने देखा था, कहीं मत जाएगा यही रहेगा, जेड क्या है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500. तो ZA क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन 96500. और ZB क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ B अपॉन 96500. हाँ राइट. तो हमने क्या किया, WA अपॉन WB इज इक्वल टू ZA अपॉन ZB. तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ A, हम उसको फॉर्मूले में लिखते हैं ना बेटा. तो क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन 96500. और ये इक्विवेलेंट मास ऑफ बी अपॉन 96500, 96500 आपस में कैंसिल हो गया. अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फेराडे का सेकेंड लॉ हम देखेंगे. मैंने आपको बताया था अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है एनोड और कैथोड पे तो यू हैव टू यूज टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस.
First law we have discussed. So second law is there. Now the two electrolytic cells are in the second law. What we are going to see, the two electrolytic cells are taken and they are connected to the same source of current, and same amount of current is passed through both electrolytic cell for same time. क्या मतलब हुआ? दो electrolytic cells लिए, दोनों को series में connect किया, किससे? Same source of current से, और एक ही amount का current एक ही समय के लिए दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हमने पास किया. एज अ रिजल्ट दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और अगर दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो दोनों में सब्सटेंसेस ऑब्टेन होंगे कैथोड और एनोड पे. तो डब्ल्यू ए मीन्स द सब्सटेंस वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन एट इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए. बेटा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बी है. तो डब्ल्यू ए इज द amount of substance obtained and in the electrolytic cell A, and WB is the amount of substance obtained in electrolytic cell B. So WA is equal to ZAIT and WB is equal to ZBIT. Now what we are going to do, we are going to take the ratio of the two substances. WA is equal to ZAIT, WB is equal to ZBIT. ITIT cancel ho jayega. WA upon WB is equal to ZA upon ZB. So we can predict the rule or predict the law in the form that the ratio of the amount of the substances obtained at electrodes A and B of electrolytic cell A and B will be equal to the ratio of their electrochemical equivalent. क्या कहा हमने? If the two लिखिए बेटा, if the two electrolytic cells are connected in series to a same source of current and same amount of current for same time is passed through both the electrolytic cells, then the ratio of the amount of substance obtained at each electrode of the two electrolytic cell will be equal to the ratio of their electrochemical equivalents. तो Z को हमने लिखा इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन 96500, और ZB को हमने लिखा इक्विवेलेंट मास ऑफ B अपॉन 96500. 96500 कैंसिल हो गया बेटा. तो W अपॉन WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले बिल्कुल ध्यान रखना, ये बात होती है जब एक से ज्यादा. क्या हुआ बेटा? दो की बात नहीं, तीन भी आप लगा सकते हो, चार भी आप लगा सकते हो, आप कितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ले सकते हो और उनको सीरीज में आप कनेक्ट कर सकते हो. तो उन सबके मासेस का रेशियो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के रेशियो के इक्वल होगा. तीन का देखना है. क्या हुआ बेटा? तीन का, हाँ तीन का बता देती हूँ मैं. बिल्कुल, आप दो का लिखिए, मैं आपको तीन का भी बताती हूँ. ये आप पूरा नोट कर लीजिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप दो का लिखिए, फिर मैं आपको तीन का भी बता देती हूँ. बिल्कुल. तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू जेड ए इंटू आई टी, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू जेड बी इंटू आई टी, और डब्ल्यू सी इज इक्वल टू जेड सी इंटू आई टी. नाउ आई टी आई टी आर सेम, सो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू जेड ए अपॉन जेड बी. इट मीन्स द मास ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए, दैट इज द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक्स, हाँ रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इलेक्ट्रो वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए अपॉन वेट ऑफ द सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बी विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू सी इज इक्वल टू जेड ए अपॉन जेड सी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू सी जेड बी अपॉन जेड सी. जहाँ बेटा डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस इन ऑब्टेंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए डब्ल्यू बी वेट ऑफ सब्सटेंस
obtained in electrolytic cell B. Weight of substance obtained in electrolytic cell C और ZA, ZP, ZC उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है. ZA इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ A. ZA क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ A. ZB है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ B और ZC है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ C. दीज आर द थिंग्स. एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जिसकी जरूरत आपको इनके क्वेश्चंस में पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में. चाहे IIT जाइए हो चाहे मेडिकल, दोनों में आपको जरूरत पड़ने वाली है. करंट एफिशिएंसी ये वर्ड आएगा जो आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें परेशान नहीं करेगा. करंट एफिशिएंसी क्या होती है? करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू द चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी. जितना चार्ज एक्चुअल यूज हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, आपने जो भी सिस्टम लगाया, बैटरी लगाई, उसका जितना चार्ज एक्चुअली यूज हुआ है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अपॉन चार्ज पास्ट. मतलब कैसे? आपने फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट आपने करंट दे दिया, राइट? 100 एम्पियर का आपने करंट दिया, लेकिन बेटा यूज तो 80 एम्पियर ही होगा, तो वो यूज्ड आप कितना रखेंगे? 80. और आपने दिया कितना था? 100. तो वो हुई ना करंट एफिशिएंसी. तो 80 अपॉन 100, तो 80% क्या हो गई उसकी करंट एफिशिएंसी. दोबारा समझते हैं. आपने बैटरी लगाई और बैटरी लगा के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को 100 एम्पियर का करंट दिया, लेकिन पूरा प्रोसेस होने में उसने सिर्फ 80 एम्पियर ही यूज किया. 100 एम्पियर यूज ही नहीं किया. आपने दिया 100 एम्पियर, लेकिन एक्चुअली उस प्रोसेस में यूज कितना हुआ? 80 एम्पियर. तो उसकी करंट एफिशिएंसी कितनी हुई? यूज्ड 80 पास्ट 100, तो कितनी हो गई? 80%. गॉट माय पॉइंट? वैसे ही करंट एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला. तो करंट एफिशिएंसी क्या हो गई? एक फॉर्मूला तो हमने देख लिया, चार्ज एक्चुअली यूज्ड अपॉन चार्ज गिवन या चार्ज पास्ट. दूसरा, मास एक्चुअली प्रोड्यूस्ड अपॉन मास दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड. आप तो वहां हिसाब किताब लगा के बैठे हैं कि मैंने तो 100 एम्पियर का करंट दे दिया जी, मुझे तो 80 ग्राम प्रोडक्ट मिलना चाहिए या 100 ग्राम प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन साहब प्रोडक्ट तो मिला आपको 60 ग्राम. मतलब आपने सपना कितने का देखा कि मैं 100 एम्पियर का करंट दूंगा, 100 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा जो भी प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट आपका आता होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 100 ग्राम का, लेकिन हकीकत में जब आपने उसको मेजर किया, जब आपने उसको वे किया, तो प्रोडक्ट आपके हाथ में कितना आया? 60 ग्राम. तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 60%. सीधी सी बात है, 60% ही तो ऑप्टेन हुआ आपको. तो मास जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है अपॉन मास जितने का सपना आपने देखा था, सपना आपने देखा था मतलब मास दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस, जितना होना चाहिए था, जितना अमाउंट ऑफ करंट से जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, वो आपका ये क्वांटिटी है. लेकिन एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हुआ वो आपकी ये क्वांटिटी है. तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो करंट एफिशिएंसी आ जाएगी. और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यस तैयार हो जाइएगा. एक तो आपको पुराना वीडियो देखना है ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला, मोल टू, जिसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना सिखाए हैं. एक तो आप वो पुराना वीडियो देख लीजिए मोल कंसेप्ट का. दूसरा, आपको आज जितने भी फॉर्मूले बताएं उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए. आज के वीडियो लेक्चर में आपको बेटा जितने भी फॉर्मूले बताएं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सबकी एक आप लिस्ट बना लीजिए और ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आप मोल वाले हमारे वीडियो से रिवाइज कर लीजिए. और हमारे नेक्स्ट सेशन में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम
हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स. क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स का, उस पर बेस तमाम तरह के जितने न्यूमेरिकल्स हैं जेई एडवांस नीट और मेंस के, वो हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे. तो आप क्विकली इसको नोट कर लीजिए.